Good morning, students. I hope you all are good and set today and you are all well. Okay, so today we will learn chapter 5, that is our surroundings. So our surroundings means जो चारों तरफ है, ठीक है? Surrounding means चारों तरफ आप जो भी जितने तक आपका eyes देख पाता है, तो तब तक आप कहाँ तक वो आप कहेंगे हमारा वो that is our surroundings. So आज हम देखेंगे clean green environment. Okay. So our environment means that also in our surrounding, that is also our environment. So इस जो environment है, ये क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसे करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंचाता है, उसके बाद में हम जानेंगे, ठीक है? जो कि कुछ पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन बहुत सारे करते हैं, जैसे कि एयर है तो उसको पॉल्यूशन करते हैं, उसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन. उसको अगर कोई कंटेमिनेट एयर में मिक्स हुआ तो उसको एयर पॉल्यूशन कहेंगे. जैसे कि साउंड पॉल्यूशन करते हैं, सॉयल पॉल्यूशन भी करते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, ठीक है? ये बहुत सारे पॉल्यूशन हम करते हैं. सो इसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए हम इस चैप्टर के बारे में चैप्टर में जानेंगे, ठीक है? सो यू मस्ट फॉलो डूज और डू नॉट. ओके, क्या करना चाहिए डूज, ओके, और क्या करना नहीं चाहिए दैट इज डू नॉट. क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? सम पॉइंट्स पहले हम देखेंगे डूज के बारे में, क्या क्या करना चाहिए. जैसे कि ग्रो मोर प्लांट्स, ये हम जो ये डूज करेंगे क्या करेंगे, ये जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, उसको कैसे हम अच्छी तरह रख पाएंगे, अच्छी उसके हेल्दी एनवायरमेंट कर पाएंगे जाके, ताकि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर गिरेगा, ठीक है? तो इसलिए कुछ चीजें करना चाहिए हमको. जैसे कि एक पॉइंट हुआ ग्रो मोर प्लांट्स, ठीक है? ग्रो मोर प्लांट्स, इससे क्या होता है, जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे एयर पोल्यूशन उतना कम घट जाएगा, सॉइल पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होगा. तो इसलिए ग्रो मतलब बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए. यूज बोथ साइड ऑफ ए सीट ऑफ ब्लैंक पेपर, आपका जो पेपर आप जब लिखते हो तो आप बोथ साइड लिखो, और जो कहीं भी अगर छोटा आप छोड़ देते हो, कोई भी मतलब स्पेस छोड़ देते हो, तो उसको इस्तेमाल करना सीखो, कोई भी छोड़ना मत, ठीक है? आप गांधी जी के बारे में ऐसा कोई स्टोरी है, आप उसमें उनसे जान पाओगे कि वो कैसे छोटे छोटे चीज का ध्यान रखते थे, ठीक है? तो यूज बोथ साइड्स ऑफ ए सीट ऑफ ए ब्लैंक पेपर, ठीक है? उसके बारे में हम सॉरी वो जान वो यूज करना चाहिए, क्योंकि वो पेपर पेड़ से बनता है, तो पेड़ कटेगा, पेपर जितना ज्यादा यूज होगा उतना पेड़ कटेगा, ठीक है? यूज पेपर और क्लॉथ बैग्स. तो हम जो मार्केट जाते हैं, सो हम हमारा क्लॉथ बैग खुद के साथ लेना चाहिए, या तो पेपर बैग लाना चाहिए. अगर पॉलिथिन लाएंगे, ठीक है, तो या प्लास्टिक बैग यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, या मेनली सॉइल पॉल्यूट होगा, क्योंकि पॉलिथिन और प्लास्टिक दे आर नॉट डिग्रेडेबल इन सॉइल. ओके, सो देन क्रिएट मोर फॉरेस्ट. जैसे जितना ज्यादा फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे उतना हमारा क्लाइमेट अच्छा रहेगा, ठीक है? देन सेव फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या है, जैसे कि पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स. सो इसको भी सेव करना चाहिए, लिमिट में यूज करना चाहिए, और उसका सही ढंग से सही इस्तेमाल करना चाहिए. अगर ये खत्म हो गया तो ये फिर से रिन्यूएबल होने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए सेव फॉसिल फ्यूल्स. सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये तो निश्चय रूप से करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर सेव नहीं करेंगे तो हमारा बहुत प्रॉब्लम होगा. अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते आजकल के जमाने में, ठीक है? सेव वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. सेव वाटर, वाटर को भी सेव करना चाहिए. आप जानते हैं कि वाटर कितना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यूज इको फ्रेंडली ट्रीज एज अ फ्यूल, ओके. यूज इको फ्रेंडली ट्री एज अ फ्यूल. अगर हम मतलब फ्यूल के थ्रू ट्री को यूज कर रहे हैं, तो इको फ्रेंडली ट्री कुछ है जो कि ज्यादा मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं एयर को, उसी तरह का पेड़ ही फ्यूल के थ्रू यूज करना चाहिए. ये था कुछ चीजें जो कि हमको करना चाहिए.
सो देयर आर मोर मेनी मोर थिंग्स लाइक जैसे करना चाहिए उसी तरह कुछ चीजें करना नहीं चाहिए, जैसे कि डू नॉट कॉट ट्रीज, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, यूज प्लास्टिक बैग्स, ये वाला तो कभी भी नहीं करना चाहिए, आप खुद का, हम जो डूज में पढ़े थे जैसे कि बैग खुद का करना चाहिए, डू यूज प्लास्टिक बैग्स, ये नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। थ्रो लिटिल इंटू रिवर्स एंड थ्रो लिटिल इंटू रिवर्स एंड सीज, ठीक है, कोई भी गंदगी, कोई भी ऐसे सामान रिवर एंड सी में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनके रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, वो ठीक से रह नहीं पाएंगे, इसलिए कोई भी ऐसा सामान नदी या समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए। देन ब्लो हॉर्न्स, ये नहीं करना चाहिए, हॉर्न ज्यादातर ऐसे हम गाड़ियों में बहुत सारा नॉइजी हॉर्न यूज करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। बर्न लीव्स एंड गार्बेज, लीव्स एंड गार्बेज को जमीन के अंदर गाड़ना चाहिए बट इसको जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। देन यूज लाउड स्पीकर जैसे कि डीजे बजाते हैं, सो ये अगर करेंगे तो ये नॉइज पोल्यूशन होगा अगर लाउड स्पीकर यूज करेंगे। तो इसी तरह हम अगर एनवायरमेंट को सेफ रखना चाहते हैं तो सेफ करेंगे, तो इसी तरह ये डूज को करना चाहिए और डूज वाले इससे आपके जो बुक्स में है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देना, सबको भी आप बताना कि हाँ ये करना चाहिए, आप सबको फैमिलीज में सब बताना है, ये अगर कोई कर रहा है तो ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, आप खुद सबको बताना, ठीक है। सो दिस क्लास आई थिंक दिस क्लास इज मीनिंगफुल टू यू, सो थैंक यू।